सौरव चंडीदास गांगुली, जन्म 8 जुलाई 1972, दादा नाम से बंगाली में बड़े भाई के रूप में जाने जाते, जो पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है और भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान थे। वर्तमान में वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगला के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त है, साथ ही विजिलन इंडिया के साथ संप्रदाय किया बोर्ड के अध्यक्ष भी है। अपने खेल करियर के दौरान गांगुली ने खुद को दुनिया के अग्रणीय बल्लेबाजों में से एक के रूप में दिखाया था और राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सबसे महान कप्तानों में से एक बने थे। यह बाएं हाथ से मध्यम क्रम में बल्लेबाजी किया करते थे और एक अच्छे ओपनर बल्लेबाज भी रहे हैं। सौरव गांगुली इंडियन प्रीमियर लीग की संचालन परिषद के 4 सदस्यों में से एक है, जो टूर्नामेंट के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्हें जनवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया था। वो इंडियन प्रीमियर लीग की तकनीकी समिति की भी सदस्य है। गांगुली को क्रिकेट की दुनिया में आगे लाने में उनके बड़े भाई स्नेह सिंह ने काफ़ी मदद की थी। उन्हें आधुनिक समय में भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है और अब तक के सबसे महान वनडे बल्लेबाजों में से एक है। उन्होंने राज्य और स्कूल की टीमों में खेलकर अपने करियर की शुरुआत की थी। सचिन तेंदुलकर के बाद वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में भारतीय टीम के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए थे। 2002 में विजिलन क्रिकेट अल्मेनेक ने उन्हें रिचर्ड सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, डीन जोनस और माइकल वेवन के बाद छठे सबसे बड़े वनडे बल्लेबाजों का दर्जा दिया। विभिन्न भारतीय घरेलू टूर्नामेंटों जैसे कि रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में खेलने के बाद गांगुली को भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर पहली बार मौका मिला था। उन्होंने 139 रन बनाए और भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की थी। गांगुली को टीम में जगह देने का आश्वासन श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला में सफल प्रदर्शन के बाद दिया गया, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। 1999 क्रिकेट विश्व कप में वह राहुल द्रविड के साथ 318 रनों की साझेदारी में शामिल थे, जो विश्व कप टूर्नामेंट का इतिहास में दूसरी सर्वोच्च साझेदारी है। 2000 में टीम के अन्य खिलाड़ियों द्वारा फिक्सिंग घोटालों के कारण और उनके खराब स्वास्थ्य के लिए भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर ने अपना पद त्याग दिया और गांगुली को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था। वह जल्द ही काउंटी की ओर से डरहम के लिए खराब प्रदर्शन और 2002 की नेट वेस्ट सीरीज के फाइनल में अपनी सत उतरने के बाद मीडिया की आलोचना का विषय बने थे। उन्होंने 2003 क्रिकेट विश्व कप भारत में नेतृत्व किया था और फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। व्यक्तिगत प्रदर्शन में कमी के कारण उन्हें अगले वर्ष टीम से बाहर कर दिया गया था। गांगुली को 2004 में भारत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2006 में राष्ट्रीय टीम में वापसी की और बल्लेबाजी में सफल प्रदर्शन किया। इस समय के दौरान वह कई गलतफहमियों को लेकर भारतीय टीम के कोच गैंग चैंपल के साथ विवादों में रहे थे। इसके बाद गांगुली को फिर से टीम से बाहर कर दिया, हालांकि उन्हें 2007 क्रिकेट विश्व कप खेलने के लिए चुना गया था।